खबर सवाई माधोपुर जिले से, जहां पर बनास नदी में मछली पकड़ते समय हादसा हो गया और नदी में डूबने से दो लोग मलारना स्टेशन निवासी की मौत हो गई। दोनों के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, तब बनास नदी के किनारे उनकी चप्पल और साइकिल मौके पर मिली। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी, साथ ही साथ अपने स्तर पर भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। नंबर एक मलारना स्टेशन के रहने वाले थे, एक सलीम उर्फ सकूर 45 साल के आसपास, और एक इसका भतीजा था अयान सन ऑफ आमिर खान। ये मछली वछली पकड़ने के लिए आते हैं नदी में, तो कल भी ये आए थे दिन प्रतिदिन की तरह साइकिल से, तो शाम को अपने घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने तलाश किया तो उनको यहाँ नदी के पास साइकिल और इनके जूते वगैरह मिले। तो रात को अंधेरा होने के कारण कल तो ये ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए, तो आज सुबह वापस यहाँ आए नदी में, तो सभी ग्रामीण और पुलिस कुछ प्रशासन के भी थे, उनकी मदद से ग्रामीणों ने तलाश किया तो इन दोनों की डेड बॉडी यहाँ नदी में मिली है। तो इनकी प्रथम दृष्टा वो मछली पकड़ने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूब के मृत्यु हो गई है दोनों की। तो घर से और नदी आ गए, शाम को 8:30 बजे तक इंतज़ार करते रहते हैं और करते ही हैं नदी आने वाले, इनका नहीं पहुँचे घर पर। जब 9 बजे करीब हम 10-20-30-40 मोहल्ले के लड़के सहित यहाँ बनास नदी आए, बनास नदी में हमने हमारे स्तर पर ढूंढना शुरू किया। 12-1 बजे तक ढूंढा, उसके बाद हम बैठ गए। सुबह फिर हमने ढूंढा, जब उनके थैले वगैरह डोर वगैरह हमें मिली तो यहाँ डूबने का अंदेशा है, और अभी हमारे स्तर पर ही हम हेर रहे हैं। यहाँ प्रशासन का तो अभी कोई ऐसी व्यवस्था हुई नहीं है, आया नहीं है, हम हमारे स्तर पर ही ढूंढ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।